ताहिर भाई, ताहिर भाई थोड़ा सा बाकी दोनों फ्रंट कैमरा क्लोज करना है। एक रईस भाई आपका कैमरा ओके, थोड़ा सा और जूम होगा। चलिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आपको लिए चलते हैं। मेरे साथी स्कोर इमरान, इमरान पूरा लेखा जोखा गोल्डन फिंगर ऑफ मुमरा फ्रॉम मुमरा उनकी तरफ से। मैन ऑफ द मैच प्लीज थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, बहुत जगह है, आराम से कंफर्टेबल होकर हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सब आएंगे फ्रेम में, सबके सब आएंगे फ्रेम में, डोंट वरी। हमारे साथी स्कोरर हमें बताते हुए इमरान मैन ऑफ द मैच, इमरान मलिंगा। यस मैन ऑफ द मैच इमरान। सबसे पहले हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं एक बार जोरदार में उनके लिए तालियां कि बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बड़ा। सबसे पहले जो सपोर्टिंग कास्ट, ग्राउंड सपोर्टिंग कास्ट में थे, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। आसिफ खान बंटी, बंटी अगर मेरी आवाज आप तक की पहुंच रही है तो आना है। उसी तरीके से जावेद खान जिन्होंने बहुत मेहनत की इस मुमरा प्रीमियर लीग के लिए, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी आना है। जावेद यस जावेद आना है। बंटी आसिफ खान, बंटी जा कहीं भी हो प्लीज आइए। लगातार इस टूर्नामेंट को संवारने के लिए, इसे सजाने के लिए 30 दिन पहले से तैयारी होती है, 30 दिन तक के लगातार मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां जावेद के लिए। सोशल मीडिया का काम जो आपने ग्राफिक देखी, उनका काम हमारे जरूर जावेद ने किया है। और यस फॉर्म की जिम्मेदारी कह लीजिए, जिस तरीके से फॉर्म आप तक के पहुंचाना, उसे कलेक्ट करना, आप लोगों के
हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करने के लिए जो सपोर्ट करना है। बंटी एक बार तालियां होना चाहिए बंटी के लिए भी, बहुत मेहनत की है बंटी ने इस ग्राउंड को। अगर विकेट में आप खेल रहे हो तो ये विकेट बहुत अच्छी सुंदर बनाई है जरूर प्रकाश यादव ने, डबरू ने, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। डबरू नहीं है तो उनके बिहाफ में मैं बिलाल से रिक्वेस्ट करूंगा। बिलाल आइए, बिलाल पिच मेकर, विकेट अगर पसंद थी पसंद आई तो एक बार तालियां डबरू के लिए। प्रकाश यादव क्या बात है, साथ ही साथ हमारे कमेटी के जो सबसे मेन इस टूर्नामेंट में उन्हें राम और लखन कहा जाता है, बिल्कुल हमारे सादिक भाई, हम सादिक भाई का भी सत्कार करेंगे। यस यस नहीं सादिक भाई आपने बहुत मेहनत की है, यस सादिक भाई का भी सत्कार हम जरूर करेंगे। ये हमारे सादिक भाई बहुत मेहनत की, बहुत बिल्कुल सीजन 10 के लिए। उसी तरीके से हमारे नासिर पठान साहब, नासिर पठान साहब आपको भी आना है। नासिर भाई, नासिर भाई ने भी बहुत मेहनत की जब जाकर ये टूर्नामेंट। ये दो ऐसे भाई साहब हीरे हैं, इसलिए आज टेनिस क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, हमारे मुमरा के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, यहाँ पर उनका भी स्वागत और सत्कार जरूर किया जा रहा है। हमारे भाई साहब के मुबारक हाथों से ये ट्रॉफी जरूर प्रदान की जा रही है। बिल्कुल हमारे जावेद मेडिकल साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जावेद मेडिकल साहब अगर मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही है तो प्लीज आइए, हम आपका भी सत्कार यहां पर जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से यहां पर मौजूद नहीं है। उसी तरीके से हमारे इम्तियाज बनु साहब, इम्तियाज बनु साहब भी यहां पर मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ में ट्रॉफी हम यहां पर जरूर प्रदान करेंगे। जावेद भाई भी नहीं है और इम्तियाज भाई भी नहीं है। शमवीर, शमवीर आइए स्टेज पे आना है। और बिल्कुल हमारे लाइव कवरेज टीम के एक बेहतरीन जिशान भाई, जिन्होंने बहुत टूर्नामेंट को सजाने के लिए मेहनत की है। आइए जिशान भाई, जिशान भाई, जिशान भाई का भी सत्कार करेंगे। जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे ना ये जो दृश्य, ये सभी दृश्य एनएसटी लाइव के ये मेन ऑपरेटर के रूप में नजर आए, उनका भी हम स्वागत और सत्कार करेंगे। जिशान भाई एक अच्छे क्रिकेटर और एक बेहतरीन ऑपरेटर एनएसटी लाइफ के। सादिक भाई थोड़ा सा प्लीज, यस ये हमारे जिशान भाई। अब मैं मोहम्मद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मोहम्मद भाई आइए आपका भी हम सत्कार करेंगे, आपने भी बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सजाने और संवारने के लिए। यस आइए मोहम्मद भाई, और जरूर मोहम्मद भाई का भी हम यहाँ पर सत्कार करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप एलईडी लाइट देख रहे हैं, एलईडी टी स्क्रीन देख रहे हैं, उसी तरीके से आप डीजे साउंड सिस्टम देख रहे हैं। ये फैसिलिटी हमें जरूर मोहम्मद भाई ने करा कर दी बहुत ही अच्छे तरीके से, उनका धन्यवाद। हमारे शब्बीर भाई, हम शब्बीर भाई का भी स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। हमारे शब्बीर भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ में हम ट्रॉफी जरूर उन तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे एहतिशाम खान पप्पू भाई, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए बखूबी प्लान सेट किया, इस टूर्नामेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक के पहुंचाने की कोशिश की, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। बिल्कुल हमारे परवेज भाई ने भी बहुत मेहनत की है, परवेज भाई का भी हमने सत्कार पहले कर दिया था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब, परवेज भाई ने भी बहुत मेहनत की है, उनका भी सत्कार बनता है। देखिए दोस्तों ये वो सितारे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सजाया और सवारा है, तालियां तो बनती है।
अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं, प्लीज वेलकम मिस्टर अकबर खान। आइए अकबर, टीम आइकॉन, टीम कैप्टन एएसके अकबर खान। यस, अकबर खान को यहां पर वाउचर्स दो दिए जाएंगे चंकीज की तरफ से, आलीशान ढाबे की तरफ से, ये गिफ्ट वाउचर, साथ ही साथ बबलू सैयद साहब की तरफ से गिफ्ट हैंपर भी दिए जाएंगे और एक ट्रॉफी इस टूर्नामेंट की। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कुछ ही वक्त में यहां पर उजाला हो जाएगा, तो चलते हैं। बेस्ट बैट्समैन इन टूर्नामेंट, एनी गेसेस कौन होगा वो खिलाड़ी? बेस्ट बैट्समैन आप सोचिए जरूर, बेस्ट बॉलर कौन होगा? आवाज नहीं आ रही है जोर से जरा। बेस्ट बॉलर इन टूर्नामेंट गोज टू, प्लीज वेलकम मुमरा एक्सप्रेस जावेद कुरैशी। आइए जावेद कुरैशी, बेस्ट बॉलर इन टूर्नामेंट। जावेद आना है वॉशिंग मशीन टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से यहां पर दी जाएगी बेस्ट बॉलर इन टूर्नामेंट। जावेद थोड़ा फास्ट आना है प्लीज। थोड़ा पीछे हो जाए, कैमरे में नहीं दिख रहा है भाई साहब, थोड़ा सा पीछे करना है, कैमरे में सबकी शक्ल दिखे। बेस्ट बॉलर इन टूर्नामेंट एमपीएल सीजन 10 के बने हैं जावेद कुरैशी। क्या बात है जावेद कुरैशी, थैंक यू डीजे। जावेद कुरैशी बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर बने। अब चलते हैं बेस्ट बैट्समैन इन टूर्नामेंट कौन होगा? जिसने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, 127 रन अपने अकाउंट में, अपने खाते में जोड़े, वो खिलाड़ी कौन होगा? सीजन 10 का बेस्ट बैट्समैन का खिताब किसे मिलेगा? वो खिलाड़ी है वन एंड ओनली, एक ही सितारा, एक ही स्टार जिसने बनाए हैं 127 रन। बेस्ट बैट्समैन इन टूर्नामेंट, प्लीज वेलकम मिस्टर कल्पेश। कल्पेश को यहां पर बेस्ट बैट्समैन इन टूर्नामेंट चुना गया है। क्या बैटिंग की कल्पेश ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी। जाइए कल्पेश, कलेक्ट करिए ये टाइम शील्ड की तरफ से आपको बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी हमारे सैयद अली भाई साहब, जफर नुमानी साहब की जानिब से दी जा रही है। एएस फाइटर के ये फाइटर खिलाड़ी, इन्हें खिताब मिला है जरूर जरूर बेस्ट बैट्समैन का। अब चलते हैं टीम रनअप की तरफ, जिन्हें रोक रकम 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए रोक रकम वाली टीम बनी है इस प्रतियोगिता की रनर अप टीम। प्लीज वेलकम टीम हसन साहिल। ऑल टीम मेंबर्स, पूरी टीम को आना है। जावेद अपने खिलाड़ियों को लेकर आइए प्लीज। पूरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आना है, टाइम पास नहीं करना है, प्लीज आइए प्लीज। हमें पता है आप थक चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाइए और जल्द से जल्द यहां पर आइए। आप अनुमान लगाइए जब तक के ये डबल डोर का फ्रिज किसे मिलेगा? मैन ऑफ द सीरीज, देखिए आवाज में दम है लेकिन जोरदार आवाज अगर आएगी तो सोचेंगे बारे में।
आइए प्लीज टीम टीम हसन साहिल एक बार जोरदार तालियां टीम हसन साहिल के लिए। टीम ऑनर शाहरुख भाई और बिल्कुल टीम ऑनर हसन साहिल के शामिल सैयद साहब टीम ऑनर है और उन्हें यहां रोक रकम 50,000 रुपीज कैश प्राइज। थैंक यू। यस टीम हसन साहिल हार्ड लक जावेद कुरैशी क्या परफॉर्मेंस था आपकी। ट्रॉफी जरूर नीचे रखी हुई है। अब चलते हैं इस टूर्नामेंट का वो सितारा जो चमकता रहा आइकॉन का मतलब होता है स्टार और 12 में से एक स्टार कुछ इस तरीके से चमका कि उसने अपनी टीम को चमका दिया। लेकिन उससे पहले एक ट्रॉफी यहां पर हम देना चाहेंगे उस खिलाड़ी को 40 प्लस के उस खिलाड़ी को जिसने लगातार सब मैच में गेंदबाजी की और एक भी सिक्स 40 प्लस के उस गेंदबाज को नहीं लगा वो है खिलाड़ी मोहम्मद अली। आइए मोहम्मद अली क्या बात है। मोहम्मद अली एक्सपीरियंस बोलता है। मैं आपके लिए प्राइज मनी है 1000 रुपीज वो भी कलेक्ट करनी है। अली भाई को यहां पर ये ट्रॉफी जरूर दी जा रही है। तो मैं आइए प्लीज थोड़ा मैं फास्ट आना है 1000 रुपीज यहां पर गिफ्ट आपके लिए आया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मयंक और यहां पर मोहम्मद अली एक भी सिक्स नहीं। थैंक यू मोहम्मद अली क्या बात है। अब मयंक की अगर आपने कैच देखी हो तो तालियां तो बनती है। क्या कैच पकड़ा था अकबर का इसके लिए 1000 रुपीज कैश प्राइस। जल्लू भाई की तरफ से कैश प्राइज है। जफर नुमानी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मुबारक हाथों से ये प्राइज जरूर दिया जाए। थैंक यू। अब चलते हैं मैन ऑफ द सीरीज डबल डोर फ्रिज। ग्राउंड में था वो खिलाड़ी गर्म और घर पे जाके होगा ठंडा ये फ्रिज देखकर। तो जस्ट वन एंड ओनली प्लीज वेलकम मिस्टर अकबर खान 171 रन 9 विकेट्स टेकर गेंदबाज बना है इस प्रतियोगिता का मैन ऑफ द सीरीज का हकदार। यस मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। शेख साहब आपको फ्रंट पे आना है और भाई साहब आइए प्लीज फ्रंट पर क्योंकि शेख साहब ने ये मैन ऑफ द सीरीज की डबल डोर की फ्रीज दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन्हें फ्रिज डबल डोर का जो फ्रिज है वो भी जरूर देना है। ये देखिए एक बार ताली अकबर के लिए। आएगा
चलिए आगे आ जाइए, खाली आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये डबल डोर का फ्रिज शेख साहब की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज जाता है अकबर को, अकबर खान। यस अकबर कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। एक्चुअली मुझे ना 5 मिनट चाहिए आप सबसे बात करना है। मेरी एक नियत थी कि मैं मेहनत इनसे बात करना है, एक मिनट। मेरी ये नियत थी मैच खेलने से पहले कि मैंने अपने आप से नियत किया था इंशाल्लाह मैं मैन ऑफ द सीरीज मारूंगा और कुछ बात आप लोगों से करूंगा। मुझे ये बोलना है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, देखो एक प्रोडक्ट कुछ इन्वेंट होता है उसको लेबोरेटरी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तब जाके वो इन्वेंट होता है कोई चीज। तो इतना बड़ा हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट है, या प्लेयर अच्छे हैं मुमरा के जब निकलेंगे तब ग्राउंड मिलेगा हमें। आज हमें ग्राउंड नहीं है, इधर हम आके खेल नहीं सकते। मित्तल ग्राउंड था हमारा, तो उधर अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, वो लीगल जमीन थी किसकी, पर्सनल जमीन थी। हमने बोलते हमको जमीन चाहिए, वो जमीन किसी की थी उनका हक था, बट एक जगह थी हम वहां खेलते थे। हर संडे 500 लड़के खेलते थे, कितने लड़के मुमरा से या प्रोफेशनल हाफ खेले, बट आप नहीं खेल रहे क्योंकि दिन ब दिन क्रिकेट खत्म होते जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन में कोई क्रिकेटर नहीं रहेगा, ये सच है। और जो दिल में वही मैं बोल रहा हूं कि हमने अवार्ड साहब के पास गए वोट सीखे है, तो हमको ये बोलना है कि जो रिजर्वेशन प्लॉट है, जो टीएमटी है, फिर तुम्हारा मार्केट है, लाइब्रेरी है, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस जगह हमें ओपन ग्राउंड खाली जगह दीजिए कि हम प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप लोग का इतना बड़ा इवेंट चाहते सक्सेस हो इसी तरह, तो मैं चाहता हूँ कि अगले साल को नया लड़का इधर खड़ा होकर मैन ऑफ द सीरीज लेके जाए। बिल्कुल अकबर, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं यस मैं फिर से एक बार सैयद अली भाई साहब, यस सैयद अली भाई साहब, मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मुंबई के पास ग्राउंड नहीं बचा है इस वक्त। यंग जनरेशन चाहती है एक ग्राउंड, और भाई साहब आपने जब भी मेहनत की है मुंबई के लिए तो आपने हक की चीज को छीन कर लाया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से यंगस्टर आपसे ग्राउंड की डिमांड कर रहे हैं, ये हक की चीज मुंबई वासियों को जरूर जरूर भाई साहब के माध्यम से मिलेगी, ये हम दुआ करते हैं। और भाई साहब अगर एक बार नियत कर ले तो वो हर चीज कामयाबी के साथ करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चैंपियन टीम, वन एंड ओनली जिस टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया। यस भाई साहब भी मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं। अकबर ने बहुत अकबर ने बहुत जज्बाती बात कही, ये बात सही है कि पहले मैदान जो है उसमें बिल्डिंग नहीं बनी थी तो बच्चे खेलते थे, अब उसमें जो है बिल्डिंगें बन रही हैं तो कुछ दिन के बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये मैदान फुटबॉल का है। मैं आपको एक हल्का से यकीन दिलाता देता हूँ, अभी पक्का वादा नहीं करता हूँ, जफर भाई हमारे नगर सेवक मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी एक बात आज हल्की फुल्की अवार्ड साहब से हुई है कि कहीं इधर किधर कोई एक जगह है, इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके के जज्बात को अकबर ने रखा है आने वाली नस्लों के लिए और खेलने वाले बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात उसने जज्बात में कही है, उसने अपने लिए नहीं कही है, आने वाले जनरेशन के लिए बोला है, आने वाले नौजवान बच्चों के लिए बोला है। तो इंशाल्लाह ताला अभी आज तो रात देर हो गई, सो मैं भी सो के उठूंगा 12-1 बजे, लेकिन 1 बजे उठने के बाद चाय पहली पीने के बाद ये जितेंद्र आवार साहब से पहली बात ये मैदान की होगी मेरी इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो
जफर भाई भी यहाँ मौजूद है, तुम लोग भी मौजूद हो अपनी अपनी तरफ से, सब लोग अपने अब्बा से भी बात कर बता देना, भाई साहब ने वादा किया है इंशाल्लाह ताला कल पहली चाय के बाद इसी पे चर्चा करूंगा। और मुझे जो आज उन्होंने बताया है चलते चलते कि इधर ही किधर है कुछ 5 एकड़, तो इंशाल्लाह ताला अगर वो है तो बच्चों को मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एक कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब हैं वो कार्य सम्राट हैं और आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। ये दोनों लोगों ने अगर चल लिया तो इंशाल्लाह ये नौजवानों को स्टेडियम या ग्राउंड मिल करके रहेगा इंशाल्लाह, हम आपसे वादा करते हैं और आपकी बातों को हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ हमें जमीन दे दीजिए, उस जमीन पर हम ग्राउंड तैयार कर लेंगे। ये आप लोगों की दुआएं अगर रही तो उस जमीन पर हम ग्रास भी उगा लेंगे और एक अच्छा ग्राउंड भी तैयार कर देंगे, तो ये उम्मीद है। तो चलिए अब फाइनल प्राइस की तरफ आपको लिए चलते हैं। फाइनल प्राइस की जो इनामी राशि है 1,00,000 रुपए रोक रकम, और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी आन बान शान की ट्रॉफी मुंब्रा प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम बनती हुई एएस फाइटर। और एएस फाइटर के शाज पठान टीम ऑनर पापा भाई टीम ऑनर आपको आना है। नासिर भाई आइए, नासिर भाई क्या बात है पापा भाई, वेल डन वेल डन। आइए नासिर भाई, आइए पापा भाई और शाज, ये टीम ऑनर्स हैं। और यस राजू भाई, हम राजू भाई को कैसा भूल सकते हैं, राजू भाई हमारे चहीते राजू भाई, ये टीम चैंपियन एएस फाइटर। एक बार जोरदार तालियां मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 की चैंपियन टीम एएस फाइटर। तो दोस्तों ये चैंपियन टीम है और चैंपियन टीम को नवाजा जाएगा इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ, चैंपियन टीम एएस फाइटर्स। देखिए जरूर गेट की चाबी वॉचमैन के पास रहेगी, आप वॉचमैन से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास वो साइड की गेट की चाबी रहेगी तो प्लीज दे दे, क्योंकि सामान यहां पर लोड कराना है वॉचमैन या फिर हमारे कमेटी मेंबर्स। तो दोस्तों ये चैंपियन टीम एएस फाइटर, वेल डन वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशन पापा भाई राजू भाई शाज नासिर पठान साहब, आप सभी को मुबारक हो। और बिल्कुल भाई साहब के मुबारक हाथों से ये ट्रॉफी। यस शमीम खान साहब के साहबजादे समीर भाई, उनके मुबारक हाथों से ये ट्रॉफी। साथ ही साथ जफर भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एएस फाइटर। तो दोस्तों ये इवेंट यहीं समाप्त होता हुआ, अगले साल फिर से मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 10 होगा, 10 की जगह 11 होगा, सीजन बदलेगा, कुछ ना कुछ क्रिकेट बदलेगा और एंटरटेनमेंट का पैकेज आपको जरूर मिलेगा। मैं जरूर यही दुआएं करूंगा कि आने वाले सीजन 11 में और भी इंप्रूवमेंट हमारे मुंब्रा शहर के क्रिकेट में देखने मिलेगा, इस उम्मीद के साथ। इस बार टीम 12 है, हम कोशिश करेंगे कि अगले साल टीम 16 हो, ये उम्मीद के साथ मैं शहजाद शेख आप लोगों से इजाजत लेता हुआ, जय हिंद जय महाराष्ट्र जय क्रिकेट, थैंक यू।